नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के प्रधान अमृतपाल सिंह के सर्च ऑपरेशन के दौरान शाहकोट के गांव सलेमा से मिली एक संदिग्ध गाड़ी। अमृतपाल के साथियों को कड़े सुरक्षा प्रबंधों में पुलिस ने बाबा बकाला की अदालत में किया पेश। 3 दिन का पुलिस रिमांड किया हासिल। पुलिस कमिश्नर जालंधर के दिशा निर्देशों पर डीसीपी वत्सला गुप्ता की अगुवाई में निकाला गया फ्लैग मार्च। रेलवे स्टेशन पर की गहनता से जांच। और अब हलचल विस्तार से। वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के प्रधान अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर डीएसपी सब डिवीजन शाहकोट गुरप्रीत सिंह गिल की अगुवाई में पुलिस द्वारा की गई सर्च के दौरान शाहकोट के गांव सलेमा से पुलिस को संदिग्ध हालत में गांव के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल के बाहर खड़ी एक काले रंग की डीमैक्स गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें पुलिस को एक राइफल, 57 कार्टेज, एक वॉकी टॉकी, एक तलवार और कुछ नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। इस मौके पर एसएसपी जालंधर देहात स्वर्णदीप सिंह भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने बताया कि जब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने संबंधी पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उस समय ये गाड़ी अमृतपाल सिंह द्वारा प्रयोग की गई थी। इस गाड़ी की जांच के दौरान गाड़ी की चाबी गाड़ी की छत से मिली है, जबकि गाड़ी में से 315 बोर की राइफल, 57 कार्टेज, एक वॉकी टॉकी, एक तलवार और कुछ नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से काबू में है और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गत दिवस सर्च के दौरान अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य साथियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्यवाही जारी है। इस मौके पर डीएसपी गुरप्रीत सिंह, शाहकोट इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह, नागरा एसएचओ मेहतपुर, सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, चौकी इंचार्ज मलसिया सहित अलग अलग थानों के पुलिस कर्मचारी और बीएसएफ के जवान भी मौजूद थे। शाहकोट से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚਾਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖੇ, ਛੱਤ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਬ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਵੈਪਨ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 15 ਬੋਰ ਹੈਗਾ ਵਿਦ 57 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟੇਜਸ, 57 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟੇਜਸ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ 100% ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। अमृतपाल सिंह के साथियों को कड़े सुरक्षा प्रबंधों में बाबा बकाला की अदालत में पेश किया गया, जिन्हें विक्रमजीत सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां सभी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस रिमांड में इन सबसे और खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि इन 4 साथियों में एक अमृतपाल सिंह का ड्राइवर भी मौजूद है, जिसने गत रात्रि ही अमृतपाल के चाचा के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
हलचल के लिए पंकज शर्मा की दी। पुलिस कमिश्नर जालंधर कुलदीप सिंह चाहल के दिशा निर्देशों के अनुसार डीसीपी वत्सला गुप्ता की अगुवाई में एडीसीपी सिटी 2 आदित्य और एसीपी नॉर्थ दमनवीर सिंह आरएएफ के कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट के साथ भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स ने थाना 3 की पुलिस के साथ मिलाप चौक जालंधर से लेकर फगवाड़ा गेट शहीद भगत सिंह चौक दमोरिया पुल से होते हुए जालंधर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाकर गहनता से चेकिंग की। इस मौके पर डीसीपी वत्सला गुप्ता ने कहा कि शहर में माहौल बिल्कुल शांत है, किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर बिल्कुल यकीन ना करें और पुलिस का अधिक से अधिक सहयोग दिया जाए। वहीं अफवाह फैलाने वालों के सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शहरवासियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए शहर भर के अलग अलग थानों और अलग अलग जगहों पर समय अनुसार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, तो वहीं सरप्राइज नाके भी लगाए जा रहे हैं। शहर में संदिग्ध लोगों, गलत तत्वों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा। एक पासे ऑपरेशन अमृतपाल और दूसरे पासे जनता नु ये दसन की कोशिश की जा रही है कि पंजाब दे विच जालंधर दे विच जेड़ा माहौल है बिल्कुल शांतिपूर्व है। अज डीसीपी हैडक्वार्टर की सुपरविजन दे विच एक फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो, तस्वीर मिलाप चौक दिया ने जिते भारी मात्रा दे विच पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति गलत हरकत ना कर सके। गलबात कर लें डीसीपी हैडक्वार्टर ना मैडम, अज जो फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है कि रीज़न रीज़न टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन शहर, लोगों में ये भावना पैदा करने के लिए कि सारा कुछ पीसफुल माहौल है और इतने कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं आओगी। कितनी कंपनी लगाई गई हैं? आरएफ की हमारे पास 30 कंपनीज हैं और एक सीआरपी की कंपनी है। मैडम देखा जाए जालंधर में सेंसिटिव एरिया भी काफ़ी हैं, सेंसिटिव एरिया किसको माना गया ज़्यादा, क्या क्या सिक्योरिटी लगाई गई है वहाँ? कोई हमारे पास एज सच अभी तो हम किसी को सेंसिटिव एरिया नहीं कह रहे हैं, अपने शहर में माहौल बिल्कुल पीसफुल है तो अभी कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कि सेंसिटिव है। जी बात करें पंजाब जालंधर की, जालंधर के पर किसी जो शरारती लोग हैं उन पर कोई FIR लॉन्च की हो? नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं। तुसी तस्वीर दे सकते हो जालंधर शहर के मिलाप चौक दिया ने जिथे जनता नू ये दसन की कोशिश की जा रही है कि माहौल बिल्कुल शांतिपूर्व है। इस नू लैके जेड़ा आज जालंधर दे विच है लगातार फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। कल पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल की अगवाई दे हेठ फ्लैग मार्च कढ़िया गया और अज DCP हैडक्वार्टर दी सुपरविजन दे विच अज फ्लैग मार्च जेड़ा है कढ़िया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो, फ्लैग मार्च कढ़न का मकसद यही है ताकि कोई भी व्यक्ति शरारती लोग किसी भी तरह की कोई भी हरकत ना कर सके। तस्वीर ही तुम देख सकते हो और लोगों को यह आश्वासन यकीन दिलाया जा रहा कि पंजाब के जालंधर के जो माहौल है बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति को डरन की लोड़ नहीं है। कैमरामैन जतिंदर नाल विनेश शर्मा, दैनिक सवेरा TV जालंधर। प्रिंटर्स एसोसिएशन पंजाब का 6वां वार्षिक समारोह एसोसिएशन के प्रधान व दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज की अध्यक्षता में जालंधर के एक होटल में संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत में एसोसिएशन पंजाब के महासचिव परसराम प्रभाकर ने सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस मालिकों को आ रही समस्याओं के बारे में भी बताया और उनको दूर करने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रिंटर्स की समस्याओं के लिए एसोसिएशन हर समय तत्पर रहेगी। एसोसिएशन पंजाब के महासचिव परसराम प्रभाकर ने बताया कि पंजाब भर से कोई भी अगर एसोसिएशन का सदस्य बनना चाहता है तो वह 9814672472 पर संपर्क कर सकता है। महासचिव परसराम प्रभाकर ने पंजाब सरकार से मांग की कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बिजली विभाग द्वारा इंडस्ट्री में शामिल किया जाए ताकि पंजाब की प्रिंटिंग इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिल सके। एसोसिएशन के संस्थापक डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, एसोसिएशन के प्रधान व दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, चीफ पैट्रन इरविन खन्ना, पैट्रन राजेश चोपड़ा विशेष योगदान दे रहे हैं। इस समारोह में उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, दैनिक अजीत समाचार से परमवीर सिंह, एवरग्रीन और नोवा पब्लिकेशन से राजेश चोपड़ा ने विशेष रूप से भाग लिया। इस समारोह की शुरुआत गायिका अनीशा वालिया ने मनमोहक हिंदी पंजाबी गीतों द्वारा सभी उपस्थिति का मनोरंजन किया। समारोह में विशेष रूप से पहुंचे कृष्ण कोछड़ मिंटा ने एसोसिएशन की सराहना की।
तथा एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में मेंबरशिप हासिल की। इन कार्यों के लिए एसोसिएशन के प्रधान व दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज व महासचिव परसराम प्रभाकर ने मिंटा कोछड़ को सम्मानित किया। इस अवसर पर अनिल कुमार मल्होत्रा, अरविंद, कपिल कुमार, अमित सहगल, अंशुल, अनिल कुमार, पविंदर कुमार जैन, नरेश कुमार, सरवन सिंह माहल, नवीन शोरी, भूपिंदर सिंह छाबड़ा, सचिन विशाल, धीरज खन्ना, राकेश ढींगरा, तजेंद्र सिंह, राकेश भारद्वाज, अमित सूरी, हरीश सैनी, राकेश कुमार, गौरव कपूर, अशोक कपूर, कुलदीप कपूर, अश्विनी चोपड़ा सहित प्रिंटर्स एसोसिएशन के सदस्यों के परिवारों ने भी हिस्सा लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मंत्रियों को लेकर इनके आगे रखो और प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है इनके इंडस्ट्री कनेक्शन हो जाएंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, मिंटा कोछड़ भी आ गए हैं, प्रधान जी का आशीर्वाद है कि इंडस्ट्री के कनेक्शन होंगे। उनमें फर्क है बड़ा, 2-3 रुपये यूनिट का फर्क है और काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए कि हमारे जो बिजली के कनेक्शन हैं, हमने प्रिंटिंग इंडस्ट्री जितने भी हैं वो इंडस्ट्री कनेक्शन करवाने हैं। दो नंबर, तीन, जो सभी सदस्यों का, क्योंकि मैं सभी के पास 2-3 बार गया हूं, सभी की एक मांग है कि हमारी जो मीटिंग है, प्रधान जी का भी आशीर्वाद है और प्रधान जी ने कह कर रखा है कि मेरे दफ्तर में, दैनिक सवेरा जी के दफ्तर में मीटिंग हॉल बहुत बढ़िया बना है, जैसे मंत्रियों के होते हैं, मुख्यमंत्री के होते हैं ऐसा बना हुआ, तो वहाँ पर मीटिंग होया करेगी। अब भी इन्होंने कहा है कि जिसके पास प्रिंटर एसोसिएशन का आई कार्ड होगा, जलंधर की ट्रैफिक पुलिस उसका चलान नहीं करेगी। अब आपने क्या करना है, जो फार्म मैंने दिए आप सबके पास पहुंच गए हैं, जो गिफ्ट थैले दिए हैं आपके पास, वहां वो फोटो साथ भेजनी है, फार्म के ऊपर कालम बना हुआ, सभी ने फोटो लगानी है ऊपर, और ये सभी फार्म भरकर आपने मुझे भेजने हैं कि हम सभी प्रिंटरों के लिए, जहां मिंटा कोछड़ जी भी आ जाए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, और जो हमारी एसोसिएशन के सदस्य बने हैं और 100 मेंबर कह रहे हैं, बहुत अच्छा है। मिंटा जी का हार्दिक अभिनंदन, सभी ताश मार के स्वागत करो। मिंटा कोछड़ जी कहते हैं कि मैं 100 मेंबर बनाऊंगा जलंधर प्रिंटर एसोसिएशन, अच्छी बात है। मिंटा जी आप भी बधाई के पात्र हो, असी लोग बड़े मिडिल क्लास परिवार चो आने हैं, बड़े लोग नहीं है असी, और साढ़े सिर पर किसी न किसी का हाथ रहे तो इंसान थोड़ा जहा सहारा होंगे, रात को चैन ना नींद आ जाती है कि यार असी लोग कोई भी गलत काम करने वाले नहीं है, लेकिन साथी की फिर भी साढ़े व्यापार के सू जरूरत रही है, क्योंकि साढ़े व्यापार बड़े छोटे छोटे व्यापार है, असी को बहुत व्डे दुकानदार नहीं है। पंडित जी मैं तुम्हें 100 मैंबर पिया क्या, तुम 100 की बजाय 150 मैंबर ही दिया, घबराना सारा बाजार अपने नाल, और बहुत जल्द एक प्रिंटर एसोसीएशन का फंक्शन फिर रखा और परिवार मिलन फंक्शन रखा, तो बहुत जल्द असी एक फंक्शन होर करांगे, और मैं लग रहा है कि आप बहुत अच्छे लेवल के उत्ते अपनी इस एसोसीएशन लैके जावे,
चलो तुसी मान सम्मान दिता है, प्यार दिता है, तुहाडा सारे का साथ सहयोग बनया रहे और सारी प्रिंटर एसोसीएशन बहुत अगे वधे चढ़े, साडे सारे साथी अगे वधे चढ़न, इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारिआं नूं बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में ऐसे स्कूल भी हैं जो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं, तो वहीं नाभा ब्लॉक का सरकारी हाई स्कूल थूही पंजाब का एक विलक्षण स्कूल है। इस स्कूल के 100 के करीब बच्चे राज्य स्तर पर प्राप्तियां हासिल कर चुके हैं। लगभग 65 के करीब बच्चे साइंस और मैथ ओलंपियाड में पोजीशन हासिल कर स्कॉलरशिप भी ले चुके हैं। इसके अलावा सरकारी हाई स्कूल थूही पंजाब का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। इस स्कूल का पढ़ाई का तरीका बाकी स्कूलों से बिल्कुल अलग है। इस स्कूल में इंडोर स्टेडियम भी मौजूद है। स्कूल के नेशनल अवार्डी अध्यापक हरिंदर गरेवाल की ओर से स्कूल की कायाकल्प को बदलकर यह स्कूल और स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। गौरतलब रहे कि कुछ वर्ष पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की ओर से भी इस स्कूल का निरीक्षण किया गया था। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। पंजाब का पहला स्कूल आ जी जिहदे जिहड़ा डे बोर्डिंग चल रहा सरकारी स्कूल जिहदे विच सुबह तों लैके शाम तक पढ़ाई ते स्पोर्ट्स दोनों चीज़ों के उत्ते ध्यान दिता जाता। जे मैं साडियां प्राप्तियां की गल करां तां पिछले साल दौरान साडा 100 दे करीब बच्चा पंजाब पद्धर ते खेड़ चुक्या ते पोजिशनां भी हासिल करियां ने, डिस्ट्रिक्ट पद्धर ते स्टेट पद्धर ते पोजिशनां भी हासिल करियां ने ते 19 दे करीब बच्चे साडे नैशनल खेड रहे ने ते बहुत सारे खेड भी चुके ने, बहुत सारी गेम्स दे विच अजे ते इस तो बिना जिहड़े कोकुलम एक्टिविटीज़ ने उहदे विच भी साडे जिद्दां भाषण मुकाबला हो गया जां कोरियोग्राफी हो गई जां स्किट हो गई उहनां दे विच भी बच्चों ने जिला ते स्टेट पद्धर दे उत्ते पोजिशनां हासिल कीतियां ने ते स्लोगन राइटिंग हो गया। इस तो बिना जे असीं ओलंपियड्स की गल करिए जिद्दां मैथ ओलंपियड हो गया, साइंस ओलंपियड हो गया, उहदे विच भी 30-30, 28 बच्चों ने स्कॉलरशिप हासिल करी आ, उह भी मतलब कि बच्चों ने वजीफा प्रीख्या पास कीती आ। मेरा नाम सहजवीर सिंह है ते मैनू इत्थे आके अपनी विल पावर वधी जी, मेरी सैल्फ कॉन्फिडेंस सैल्फ इंडिपेंडेंट होया जी। ते सर सारे सर सारा मेरा विजन आई बदलता जी गरेवाल सर ने ही। ते मैनू सर मैं पहले फोन एडिक्टेड सी जी ते मैनू गरेवाल सर ने सर बुक रीडिंग बारे बुकां दित्तियां जी ते सर मैं बुक रीडिंग कीती तां मेरी वोकैबलरी रीडिंग सर बहुत फर्क पिया जी ते इत्थे सर माहौल भी बहुत वधिया स्कूल दा जी ते सर मेरे विच बहुत फर्क आया जी पहले नालों जी। विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आर एन मोटर के नवदीप सिंह, दारा सिंह, सुनील महाजन और सिद्धार्थ महाजन ने आए हुए मेहमानों को सम्मानित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। त्यौहार जो है लंगर का आयोजन किया गया है श्री दारा सिंह जी वालों, जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है इनका इस थान पे, और इतने तुसी लोगों का देख लो कि किन्नी श्रद्धा के नाल लोग आकर लंगर छक रहे हैं। और जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है बहुत पावन त्यौहार होता है और पूरे महीने लंगर लगाया जाता है। मैं यही कहूँगा कि सारे ही शांति और खुशहाली वास्ते अरदास करन। जालंधर छावनी में श्री बांकी बिहारी मंडल रजिस्टर्ड द्वारा 6वीं श्री श्याम भजन संध्या एवं निशान यात्रा निकाली गई। श्री श्याम भजन संध्या स्थानीय गगन पैलेस में बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह से मनाई गई। इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष रूप से पहुंचे, जिन्होंने श्री श्याम दरबार में अपनी हाजिरी लगवाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं श्री श्याम भजन संध्या में भजन सम्राट संजय मित्तल कोलकाता और सुश्री दीक्षा राठौर कोटा से पधारे, जिन्होंने अपने भजनों द्वारा भारी संख्या में उपस्थित भक्तजनों को प्रभु चरणों से जोड़ते हुए झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर बाबा जी की अखंड ज्योत श्री खाटू धाम जी से लाई गई थी। श्री श्याम दरबार में 56 भोग, इत्र वर्षा, श्याम रसोई, अलौकिक श्रृंगार देखने लायक था। काफी संख्या में स्थानीय लोग श्री लड्डू गोपाल जी को सजाकर दरबार में लाए थे, जिनके विराजमान के लिए विशेष स्थान बनाया गया था।
जितने भी लोग लड्डू गोपाल जी को लाए थे उनके नाम की पर्ची डाली गई और आरती के उपरांत ड्रॉ भी निकाला गया। वही विजेता को सोने की बांसुरी उपहार के रूप में दी गई। खाटू धाम से कलयुग के मीरा श्याम दीवानी आरती दीदी श्री श्याम की लीला में मगन होकर अपनी उपस्थिति दिखा रही थी। लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के लंगर का भी प्रबंध किया गया था। इस मौके पर भाजपा नेता पूर्व उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह पप्पू, जिला भाजपा महासचिव अशोक सरीन, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी, कैंट भाजपा मंडल प्रधान शिव दर्शन, श्री बांके बिहारी मंडल प्रधान विक्की जिंदल, कुलभूषण जिंजर, मनीष जिंदल, अभिनव मित्तल, अनुज शर्मा, अरुण कुमार, लक्ष्य सोडी, हेमंत, अंकुर गोयल, दीपक मोहित, रणदीप सोडी, रोहित मित्तल, पंकज शोभित, संजय नागपाल, अंकुश, विपन, विष्णु, विकास, रोहिणी, पूजा शर्मा, मनीष गोयल, लक्ष्य जिंदल, शिल्पी गोयल, विनीता गोयल, ऋतु विज, संगीता पासी, अंजलि, रितिका सोडी, गीतांजलि, मधु, सविता अग्रवाल, आकांक्षा, आयुष, अभिषेक, अमित गोयल, बंटी, चेतन अग्रवाल, जगमोहन वर्मा, गगन गुप्ता, दीपक गुप्ता व कमल चौहान भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। पूरा रख विश्वास जिताने आएगा, पूरा रख विश्वास तुझ पे ये अपना प्यार, तुझ पे ये अपना प्यार लुटाने आएगा, शिव प्रेमी। श्याम प्रेमी कौन है, किसे कहते हैं श्याम प्रेमी? श्याम प्रेमी की परिभाषा ये है कि कोई परेशान दिखे उसके कंधे पर हाथ रखकर कह दो, परेशान मत हो, तू चल मेरे बाबा के मेरे साथ, तेरा काम बन जाएगा। जिसने किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, मेरे श्याम ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। कौन कौन मानता है, पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर, अरे बाबा तेरी जय हो।
बरनाला के शहर तपा मंडी में शहर की तकरीबन एक दर्जन समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से श्री गीता भवन में चल रहा श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हो गया। इस मौके पर सुबह हवन यज्ञ किया गया जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद सातवें दिन की कथा करते हुए प्रसिद्ध कथावाचक दीदी गुंजन विशिष्ट जी ने श्री कृष्ण जी के विशेष प्रसंग सुनाकर संगत को निहाल कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा का प्रसंग विशेष रूप से सुनाया जिसको सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। अंत में श्री बांके बिहारी जी की आरती उतारी गई और श्री कृष्ण भगवान के साथ पंडाल में उपस्थित गोपियों द्वारा फूलों की होली खेली है। प्रबंधकों द्वारा भगवान को भोग लगाकर सभी भक्तों को चना पूरी और खीर का लंगर छकाया गया। इस मौके पर श्री सनातन धर्म पंजाब महावीर दल की ओर से दीदी गुंजन विशिष्ट को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार भूत, पुजारी पंडित काला, राम वेद पाठी, पंजाब महावीर दल के रमेश सिंगला, सोहन लाल वनवास, सुभाष कुमार, मक्खन लाल, श्री श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष रिंकू मोड़, दीपा बहनी, मदनलाल भट्टा के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आदरणीय गुंजन वशिष्ठ जी का द्वारा मद भागवत सप्ताह ज्ञान जग किया जा रहा है। अपना गीता भवन कमेटी तपा और पंडित जी के सहयोग द्वारा तपा मंडी दिया धार्मिक समाज के जत्थे के बंदे के सहयोग के नाल पूरा जो जग है ये संपूर्ण होया है। गुंजन वशिष्ठ जी ने इन्ना आनंदमय ढंग सुनाई कि तपा मंडी वृंदावन का रूप धारण कर गई है। तपा मंडी दिन बख संस्थावान जिम्मे पंजाब प्रदेश अग्रवाद सम्मेलन है, श्याम प्रचार मंडल है, महावीर दल है, होर भी दुनिया की धार्मिक संस्थावान सीगिया उन्होंने महावीर प्रचार मंडल है, महावीर संकीर्तन भजन मंडल है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता, महिला संकीर्तन भजन मंडल है, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता। तपा मंडी ने संगीता भवन में एक वृंदावन का रूप महसूस कराया है। जिहड़ा यह मंडी के समागम होया अठ दिन का गीता भवन के बहुत ही वधिया बहुत ही तरीके दे नाल मंडी ने सहयोग दिता पूरा और वधिया होया। बहुत बहुत आनंद आया जी, बहुत सारी मंडी नूं पूरा आनंद आया और पूरा ही रश अठ दिन पूरा ही रश चलिया मंडी का। दीदी गुंजन वशिष्ठ जी ने अपने भजन संगत को निहाल किया, सारे ग्रुपां ने सारे क्लबां ने सहयोग किया। गीता भवन में श्री भागवत कथा दीदी गुंजन वृंदावन वाले उन्होंने तरफों बहुत ही अच्छी कथा हुई। सात दिन सूँ पता ही लगे कि निकल गए, बहुत ही आनंद आया सूँ। उन्होंने भजन उन्होंने आवाज़ इन्नी वधिया सी कि सूँ एवं फील हो रहा है कि असं वृंदावन बैठे हैं। बहुत ही वधिया लग्या सूँ, साढ़े तपा विच बहुत अच्छी कथा करके गए हैं दीदी गुंजन वशिष्ठ। श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीरदास जालंधर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक किया जा रहा है। इसी संबंध में पंडित मनोज शास्त्री, पंडित राजकुमार तिवारी, विकास मल्होत्रा, रवि शर्मा व तेज कुमार दुबे दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को इस भागवत कथा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेंट किया। इस मौके पर पंडित मनोज शास्त्री ने बताया कि इस कथा की शुरुआत 2 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे भूमि पूजन के साथ होगी। उससे पहले 9:30 बजे सुंदरकांड का पाठ और दोपहर 1 बजे नगर परिक्रमा की जाएगी। इस कथा में सच्चिदानंद गुरु रूपेश महाराज कथा कर श्री कृष्ण भक्तों को कृतार्थ करेंगी। इसी तरह से रोजाना कथा दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी, जिसके बाद कथा का समापन 8 अप्रैल को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगा। इसके बाद संत समागम का आयोजन किया जाएगा और दोपहर 2 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री दैनिक सवेरा के संस्थान में श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में संपादक श्री
देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री शीतल बी जी को आज इस कथा के उपलक्ष्य में श्री गौरीशंकर मंदिर के तरफ से निमंत्रण पत्र सब सहयोगियों के द्वारा निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। और कथा का आरंभ 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक ग्रीन एवेन्यू अंतर्गत श्री गौरीशंकर मंदिर के प्रांगण में अपराह्न 3:30 बजे से लेकर रात्रि 7:30 बजे तक कथा का प्रतिदिन संचालन होगा। मैं सभी मोहल्ला वासियों से या नगर वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा में आकर के अपने अपने परिवार का, अपने पितरों का कल्याण हेतु आकर के शोभा बढ़ावें, कथा का श्रवण करें। साथ में ही आज 29 तारीख को देवी तालाब मंदिर के तत्वाधान में श्री श्री शीतल बी जी के नेतृत्व में श्री रामनवमी का शोभा यात्रा आरंभ हो गया होगा। उसमें मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा एवं सभी सनातनियों से अपील करूंगा कि सभी लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में सहयोग दे करके कंधे से कंधे मिला करके प्रभु श्री राम की जसगान करते हुए इस शहर का शोभा बढ़ाएं। मुझे सभी भक्तों से, श्री राम भक्तों से अपील है कि सभी लोग श्री रामनवमी की शोभा यात्रा श्री देवी तालाब शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर तत्वाधान में चलकर सफल बनावे। जय श्री राम, राधे राधे। मैं पंडित मनोज शास्त्री श्री स्वामी लोचनानंद आश्रम मुक्तेश्वर मंदिर बस्ती गुजा से सभी नगर वासियों को निवेदन करता हूं कि हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 अप्रैल समय 2:00 PM श्री देवी तालाब मंदिर प्रांगण से श्री हमारे श्री 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 शीतल बी जी दैनिक सवेरा संपादक और देवी तालाब मंदिर के प्रधान की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी नगरवासियों से, संत समाज से, ब्राह्मण समाज से मैं निवेदन करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लें। हम भी अपने झांकियों के साथ और संत ब्राह्मणों के साथ लेकर के वहां उपस्थित होंगे और पूरा जलंधर को अयोध्या नगरी के जैसा भव्य हम लोग शोभा देंगे। जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज 2 दानिशमंदा जालंधर के बलदेव राज चौहान, महेश सोडी, सतनाम अरोड़ा, सतपाल बिट्टू, राकेश बबलू, हरबंस लाल अरोड़ा, राजीव लूथर, अमित खिंदर, शिव शर्मा, जनकराज, पंडित मोहन, कृष्णलाल, सविता, शकुंतला, शाबिया बांसल, निर्मल, संतोष, कुसुम, उषा रानी, आशु मेहरा, कांता, सोनिक से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के बलदेव राज चौहान व सभी सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वह असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पिछले 3 साल तो जो कोविड की वजह जेतला मंदिर तो शोभा यात्रा निकलती थी रामनवमी की या जन्माष्टमी की या भोले शंकर जी की, वो पिछले 2-3 साल तो बंद सी। तो मैं समझना कि साढ़े वास्ते बहुत ही सनातन वास्ते बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है जो कि इसी रामनवमी के उपर इन फिर प्रारंभ कर रहे हैं, जिदे देवतला मंदिर तो ही सारा कार्यक्रम चलेगा। उतो ही सारिया झांकियाँ सारे नगर की परिक्रमा करते हुए देवतला मंदिर जा के ही वो समाप्ति होगी, विश्राम होगा। उसके नाल सानू इन्होंने मान बख्शा
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੂਰ ਚੀਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸੁਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇਵਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿੰਜਨਵੀ ਔਰ ਰਜੇਸ਼ ਜਿੰਜਨਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਮਾ ਕੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਜਠੇਰੋ ਕਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮੇਲਾ ਗਾਓ ਤਲਵਨ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਰੋਡ ਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਜਠੇਰੋ ਕਾ ਸਨਾਨ ਵ ਝੰਡੇ ਕੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ ਨੇ ਸਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮੇਲੇ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸਮੇ ਪੰਡਿਤੋ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨੋ ਸੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਲਵਾਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਸੰਗ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਮੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਤੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪਾਦਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰੋ ਕੇ ਸਦੱਸਯ ਵ ਭਗਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਰੋ
बहुत ही हर्षक के साथ हम बता रहे हैं क्या बिज परिवार के जठेरों का मेला है। यहाँ शीतल बिज जी, राजेश बिज जी, सुरेंद्र बिज जी, प्रकाश मसाले वाले देश विदेश से, लुधियाना, अमृतसर, भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र से जहाँ भी बिज लोग रहते हैं सभी आए हैं और बहुत ही भव्य दिव्य विशाल जठेरों का मेला लगा हुआ है। बहुत ही मनोरम दृश्य है और यहाँ जो भी आता है बिज परिवार के लोग, उनकी सभी इच्छाएँ मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। सभी तरह से बिज परिवार के ऊपर उनके जठेरों का आशीर्वाद बना हुआ है और यहाँ धीरे धीरे बहुत ही विस्तार हो रहा है, विरंगम दृश्य है। बोलो बिज परिवार के जठेरों की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज बहुत ही भव्य सुंदर ये बिज परिवार के जठेरों का मेला का आयोजन था। इस मेला के अवसर पर माननीय श्री शीतल बिज जी, राजेश बिज जी, सुरेंद्र बिज जी, प्रकाश मसाले वाले और जितने भी बिज परिवार के जठेरे जो बिज परिवार से जुड़े हुए हैं वो सभी आज आकर के सभी ने मत्था टेका। देश विदेशों से आकर के लोगों ने यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति प्रदान की और यज्ञ संपन्न हुआ और यह संपन्न में समस्त अभी खुशियों से अभिभूत होकर के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि जो भी जिस कामना से आए हैं उनकी सभी अभिलषित मनोकामनाएं पूर्ण हों। यज्ञ नारायण भगवान सब उनकी यज्ञ से कामना संपूर्ण हों और बिज परिवार का संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व में कल्याण हो और भगवान की मंगल कामना पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी हम भगवान से और बिज परिवार के जठेरों से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी को आशीर्वाद प्रदान करें जिससे सभी प्रकार से मंगल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान सभी प्रकार से मंगल। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अश्विनी डोगरा द्वारा मुख्य वक्ता के तौर पर हाजिरी लगाई गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री हरि दर्शन मंदिर अशोकनगर जालंधर के किशन लाल अरोड़ा, पंडित प्रमोद शास्त्री, लता शास्त्री, जागृति चाहत, राजेश कुमार, सर्वधर्म मंदिर तेज मोहन नगर जालंधर के राजकुमार सब्रवाल, फूलचंद, पंडित मनोज जोशी, श्री योगेश्वर शरणम मंदिर तेज मोहन नगर जालंधर के संत दलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, राजपाल, रघुबीर, हरदीप, श्री शिव मंदिर संत नगर जालंधर के रामशरण, यशपाल राधे, संदीप राधे, पंडित इंद्रजीत झा, दिलावर कुमार, आकाश पसरीचा, डॉक्टर नितिन, विनोद भगत, श्री कृष्ण मंदिर टैगोर नगर जालंधर के पंडित राम संजीवन झा, पंडित जयप्रकाश कंचन नेहा, श्री दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी अवतार नगर जालंधर के हंसराज ढल, गगन ढल से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। 29 तारीख को देवी तला मंदिर वालों रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। असी उस विच बढ़ चढ़ के पूरी संगत नाल हिस्सा लवेंगे, हर साल की तरह इहदे विच शामिल होवेंगे। संदीप राधे, न्यू संत नगर शिव मंदिर तो सारे ही राम भक्तों नूं बेनती करदा हां कि 29 मार्च रामनवमी की शोभा यात्रा जो कि श्री देवी तला मंदिर चो बड़े ही श्रद्धा भावना निकाली जा रही है, सारे भक्तों को बेनती है कि उसे घुमा के पहुँचने की कृपालता करो। जय श्री राम। न्यू संत नगर शिव मंदिर से पंडित जी बोल रहा हूँ। आज
बहुत बड़े भाग्यशाली ये संत नगर के लोग हैं जो अपने देवी तालाब से भक्तजन पहुंच करके अपने शिव मंदिर पहुंचे हैं, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ 29 मार्च दिन बुधवार तिथि अष्टमी शोभा यात्रा अपने देवी तालाब मंदिर से निकाली जा रही है। तो हम सभी भक्त अपने न्यू संत नगर शिव मंदिर से भी शोभा यात्रा निकाल करके देवी तालाब प्रांगण में पहुंचने की कृपा करेंगे और बढ़ चढ़ करके शोभा यात्रा मनाएंगे। जय श्री राम। श्री कृष्णा मंदिर टगोर नगर गली नंबर 4 तो पंडित जय प्रकाश, मैं सारे भक्तों नाल हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हाँ जी कि शोभा यात्रा श्री देवी तालाब मंदिर दे विच जा के बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। जय श्री राम। शीतल वैद जी परिवार वालों ये सारे भक्तजन आए ने और हर बार असी जो शोभा यात्रा निकलती है श्री राम नौमी की तो वो अभी शामिल होंगे तो हूँ भी उन्होंने हुक्म है कि ये शामिल हो और एक सुंदर चाकी बना के शामिल हो और सारे परिवार के नाल चलो। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन रामनवमी उत्सव जो उस उपलक्ष्य में 29 मार्च बुधवार के दिन श्री देवी तालाब मंदिर के सौजन्य से हम लोग हर वर्ष श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। इस पावन शोभा यात्रा में हमारे श्री हरिदर्शन मंदिर अशोक नगर के श्रीमान अशोक ठठई साहब हमारे प्रधान जी, श्री किशन लाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और मैं पंडित प्रमोद शास्त्री, हमारी धर्मपत्नी अभी लता, हमारे बेटा बेटी सभी, इस मोहल्ले के जितने भी हमारे भक्तजन हैं सुबह आते हैं हजारों की संख्या में, वह सारे वहाँ हुम हुमा करके इस पावन पुनीत प्रभु श्री राम जी के इस रामनवमी शोभा यात्रा में भाग लेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। देवी तालाब तो जो शोभा यात्रा रामनवमी जी की निकल रही है उन्होंने भी अपनी मदद करके चलाकर अपने मंदिर वालों को रख दिया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर वारिस पंजाब के जत्थेबंदी के प्रधान अमृतपाल सिंह के सर्च ऑपरेशन के दौरान शाहकोट के गांव सलेमा से मिली एक संदिग्ध गाड़ी। अमृतपाल के साथियों को कड़े सुरक्षा प्रबंधों में पुलिस ने बाबा बकाला की अदालत में किया पेश। 3 दिन का पुलिस रिमांड किया हासिल। पुलिस कमिश्नर जालंधर के दिशा निर्देशों पर डीसीपी वत्सला गुप्ता की अगुवाई में निकाला गया फ्लैग मार्च। रेलवे स्टेशन पर की गहनता से जांच। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।